एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जमीन के मामले को लेकर, क्या है पूरा मामला? ये शंकरलाल पुत्र नेकराम, ये नगला भंडारी है ढोलना थाना अंतर्गत, यहाँ पे इसकी मौरूसी जमीन है, डाटा संख्या 189, इसमें ये अपना मकान निर्माण करना चाह रहा है, लेकिन वहीं के कुछ थाना अध्यक्ष की रिपोर्ट में आया कि बड़े लोग हैं लेकिन उनका कुछ अपना निहित स्वार्थ होगा, उस ज़मीन से आना जाना है, ट्रैक्टर उनका निकलता है तो वो उसको रोक रहे हैं। ये दो बार तीन बार चक्कर लगा चुका लेकिन अभी तक इसको राहत नहीं मिली। आज मैंने देखा इसमें थाना अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट रिपोर्ट दिया कि निहायत गरीब है, इसकी अपनी भूमि है और जो लोग इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं बनता इसमें। तो मैंने SDM पटियाली को फोन से भी आदेश दिया, लिखित भी आदेश दिया कि आप किसी मजिस्ट्रेट को बैठा कर इसका निर्माण करा दें और जो अनावश्यक रूप से तंग कर रहे हैं उनके विरुद्ध संबंधित थाना तक विधिक कार्रवाई करें। किस थाने का मामला है ये पूरा? ये थाना ढोलना का मामला है। थाना ढोलना ने बहुत स्पष्ट रिपोर्ट दिया है लेकिन मुझे ताजुब होता है कि ये एक तरफ ये भी लिख रहे हैं कि ये अराजक व्यक्ति हैं और आवेदक सही व्यक्ति है, इसकी मौरूसी भूमि है, उसके बावजूद अराजक तत्व इसमें हस्तक्षेप कर रहा है और थाना असहाय बना हुआ है। ये तो हम अलग से इनसे पूछेंगे लेकिन SDM के लिए मैंने आदेश कर दिया और बैठ कर इसको बनाएंगे। क्या ये लोग दबंग लोग हैं या किसी पार्टी से संबंधित? ये आवेदक का ये कहना है कि कोई जनप्रतिनिधि जो है इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके दबाव के कारण इसमें कार्य नहीं हो पाता। उसकी भी हम छानबीन कर रहे हैं कि कौन जनप्रतिनिधि है और उनका क्या इसमें रोल है।